दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। मंडी जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य मार्ग और अन्य मार्गों के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन ने राजस्व, पुलिस और संबंधित विभाग के साथ खाका तैयार कर लिया है। इसके बाद जल्द ही NH पर सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जाइयों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। SDM सदर रितिका जिंदल ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर अवैध कब्जे हटाने को 2 महीने का समय दिया है, जिसको लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नमस्कार, SDM मंडी सदर रितिका जिंदल। सो हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट HP हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे, हमें पुलिस को आए हैं, DC साहब को आए हैं एंड PWD विभाग इज द नोडल एजेंसी, ताकि जो रोड साइड जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए NH पे, PWD के रोड्स पे, स्टेट हाईवेज पे एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि जो जितने भी अतिक्रमण हैं, अवैध जो हैं वो कब्जे हैं, इंक्रोचमेंट हैं, उनका रिमूवल किया जाए। तो हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है विभागों को। तो अभी सब विभाग, रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग और PWD विभाग हैं, NH अथॉरिटीज़ हैं, सभी विभाग को कोऑर्डिनेट करके वी हैव टू गिव द कंप्लायंस रिपोर्ट। सो सभी से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग अपना देख लें कि अवैध कब्जा है नहीं है। सो बिकॉज अभी फिर इविक्शन ड्राइव्स जो हैं फिर वो स्टार्ट की जाएंगी, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सो हमें कोर्ट की ऑर्डर्स की जो है वो पालना करनी है, आप लोग भी हमारा साथ दें, हम तो आपसे यही कोऑपरेशन चाहेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।